और जैसा कि आदेश हुआ है कि अति शीघ्र कार्यक्रम की ओर चला जाए, तो आइएगा चलते हैं अति शीघ्र कार्यक्रम की ओर और माता रानी के पावन चरणों में आइएगा वंदना गीत। और नमन करता हूँ भैया केएस म्यूजिक एचडी फरोजाबाद और बड़े भैया नमन स्टूडियो वर्क नवादा शेखान परमादनी गुरुदेव श्री चंचल जी, बड़े भैया ज्ञानेंद्र ज्ञानी जी को और दादा प्रदीप प्रकाश जी को नमन करता हूँ। और सक्षम साथियों से जितने भी यहाँ श्रोता बैठे हुए हैं, शायद सभी के नामों से वाकिफ नहीं हूँ। पीलीभीत से जो लोग आए हुए हैं उनको मैं सत सत नमन करता हूँ, भैया जमुना अंजन जी को और महेश भैया को। अति शीघ्र चलते हैं कार्यक्रम की ओर और आइए एक गीत बजा। कौन सा? कुछ गीत देखिए दादा जमुना अंजन जी, कुछ गीत ऐसे होते हैं जो फिल्मी गीत होकर के खुद में एक वंदना है। अब सुनिए जैसे, और ये 11 रुपए का पावन आशीर्वाद मेरे बड़े भैया नहीं बल्कि इस पार्टी के सदस्य भी है, 11 रुपए का पावन आशीर्वाद बड़े भैया परम सिंह यादव जी की ओर से है। मैं उनको सत सत नमन करता हूँ और चलते हैं अति शीघ्र कार्यक्रम की ओर। और कहा कि तेरे चरणों में मंदिर है, तो हर मंदिर की मूरत है। भगवान की सूरत मेरी माँ तेरी सूरत है, मेरी माँ तेरी सूरत है, मेरी माँ तेरी सूरत है। तेरी सेवा मेरा जीवन, मेरी पूजा तेरा दर्शन, मैं तेरा हूँ बुला ले तू गले फिर से लगा ले तू। ओ क्यों है मैं तेरा हूँ बुला ले तू गले फिर से लगा ले तू। बगैर गाना बजाना बहुत दूर की बात है, हम लोग बोल भी नहीं सकते। जय हो, जय हो, जय हो। कुछ ऐसा बताया है क्या? तो चंद लाइनें चलते हैं मैया शारदे के चरणों में। कहा माँ माँ पीड़ा बाधिनी आओ, राग अनुरागिनी आओ, साज और सर सजा दो माँ, मधुर पीड़ा बजा दो माँ। कहा माँ श्वेत बसना श्वेत मड़ियों की माला धार के आना।
श्वेत पंकज का आसन श्वेत वाहन हंस पर आना वाहन हंस पर आना वाहन हंस पर आना सहज पर दाहिनी आओ हेलो सहज वरदायिनी आओ भक्ति अनपायिनी आओ मोह माया तजा दो माँ मधुर बीड़ा बजा दो माँ लिखी मसी तल छाओ बैठा लो मसी तल छाओ बैठा लो मसी तल छाओ बैठा लो सकल दुख हारिणी आओ मंगल कारिणी आओ दुश्मनों की लजा दो माँ मधुर वीणा बजा दो माँ जी को और राही जी को मैं संसद नमन करता हूँ आशीर्वाद की कामना करता हूँ आप लोगों से और कहा माँ क्या माँ पीड़ा वादिनी आओ राग अनुरागिनी आओ साज और स्वर सजा दो माँ मधुर पीड़ा बजा दो माँ आइएगा चंद लाइने आए हुए दूर दराज से हमारे सभी साथी सम्मानित कलाकारों को मेरी ओर से लाभ है फरीदपुर से बहुत छोटे से कस्बे से आए आपके भाई श्री सीएतल श्री राजवीर यादव और मैं चूंकि स्वयं आर सीएतल चूंकि जैसा बताया गया था कि जवानी कार्यक्रम होगा उसके बाद में बाकी सक्षम साथी कलाकार गाएंगे लेकिन मेरा भी एक निवेदन है जो बरेली रॉयल खंड की जो जवाबी कीर्तन समिति है उसके पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वो जब नियम उन्होंने बनाया है तो उस नियम का विधिवत पालन करें ऐसा ना हो कि एक कलाकार जो खड़ा हो जाए फिर वो उठने से ही ना उतरे बड़ी सुंदर रचनाओं का आनंद आपने ये रात्रि भर कार्यक्रम चलता रहेगा हमारे और राजवीर के बीच में दो तीन राउंड जवाबी कार्यक्रम होंगे एक दो चक्कर होंगे उसके बाद में आप सभी सम्मानित अच्छे अच्छे कलाकारों को सुनेंगे और मेरा प्रयास यही है कि मैं भी कम समय लेकर के आपके समक्ष हाजिर लगाऊं
कि मेरे गीत कुछ नहीं है, सब इनकी मेहरबानी और इनकी याद में बनी है ये आरसी दल के संगीत। सब कुछ इन्हीं का दिया हुआ है, लेकर ये आशीर्वाद ना दे, गाना तो अलग की बात है, बोलना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कहते हैं कि कल्पना जरूरी है, भावना जरूरी है। कल्पना जरूरी है, भावना जरूरी है, शायर में शायर की आत्मा जरूरी है। क्या बात है, शायर में शायर की आत्मा जरूरी है। जीने का सलीका अगर सीखना हो तो पास बैठे बुजुर्गों का, तो पास में बुजुर्गों का बैठना जरूरी है। अगर सलीका जिंदगी का सीखना है, अगर पास में अगर जीने का सलीखा सीखना हो, क्या बात है, इन पास अरे इन बुजुर्गों के पास में बैठना जरूरी है। चलिए सीधे चलते हैं, चार पंक्तियां माता सरस्वती के चरणों में। चलिए, अरे माँ तुम ही से ये सरगम, क्या बात है, गीत आया है। क्या आया है,